नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि काफ़ी बार हम रूफ टाइल देखते हैं तो फिर उसमें अलग अलग काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं, उसमें से एक टाइल आती है जो एंटिक टाइल बोली जाती है, मतलब जो पुराने ज़माने में जो हाफ राउंड टाइल बनाई जाती थी या फिर हाफ स्क्वायर टाइल भी बनाई जाती थी। तो अभी के टाइम में वो टाइल अवेलेबल करना या फिर मैन्युफैक्चर करके लगाना काफ़ी बार दिक्कत हो सकता है या फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस भी रहते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फाइबर टाइल है जो कि पूरी शीट ही वैसी बनाई गई है और देखने के बाद आपको लगता है कि सेम वैसी ही टाइल है। तो हम देखेंगे अभी उसका वीडियो। अभी हम जो टाइल्स देख रहे हैं ये एंटिक टाइल है और स्क्वायर हाफ टाइल है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वो फाइबर में बनी हुई है। आपको देखने के बाद यहाँ से अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये फाइबर की बनी हुई है, बिल्कुल जैसे ओरिजिनल होती है वैसे ही बिल्कुल बनाई गई है। अगर हम इसका ओरिजिनल देखते हैं तो ये देख सकते हैं आप, तो कुछ इस तरीके से होती है। तो फिर ओरिजिनल में और जो फाइबर में अभी जो बनाई गई है तो उसमें बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम बनाई गई है और काफ़ी बढ़िया तरीके से उसको इंस्टॉल भी किया गया है, देख सकते हैं। वैसे ही जब ये स्क्वायर थी तो ये अभी राउंड वाली भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर क्या है ना कि ये फाइबर में जब बनाई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजेस वगैरह भी है, तो उसकी जो शीट है मतलब करीब 8x4 की ऐसी शीट बनाई गई और वहाँ पे बाद में इंस्टॉल किया गया, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से अगर हम इसके रिजेस भी देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से रिजेस बनाए गए हैं, जैसे ओरिजिनल लगते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए फाइबर शीट होने की वजह से थोड़ी सी बाहर से यहाँ पे अंदर लाइट भी आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल, ये देख सकते हैं जो हाफ राउंड टाइल होती है बिल्कुल उसी का वर्जन बनाया गया है ये, और बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि ये हाफ राउंड टाइल है या फिर शीट बना के वहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग है, यहाँ पे बीच बीच में स्क्रू भी लगाए गए हैं, हालांकि ये जो स्क्रू है वो पूरे राउंड के ऊपर होने चाहिए। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ओवरलैपिंग है। तो फिर जो लगाई गई है टाइल, ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रू भी लगाए गए हैं तो यहाँ ऊपर होने चाहिए, तो ये नीचे हो गए, ये भी थोड़ा साइड में हो गया है, ये भी ऊपर ही होना चाहिए यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें करनी थी, अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हो गया है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। अगर ऊपर के रिज देखेंगे आप तो रिज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। अगर हम इसी का अगर नेचुरल मॉडल अगर देखते हैं तो ये देखिए बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप, सेम टू सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, खाली कलर में फ़र्क है। कलर तो जो चाहिए हम वहाँ पर ले सकते हैं, ये देखिए नेचुरल टाइल का रेड कलर है, जनरली ब्लैक भी हो जाता है वहाँ पर। जो हमने फाइबर शीट बनाई है उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये लाइट वेट होता है और आसानी से लगा भी सकते हैं, जो कि नेचुरल टाइल लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन दिखने में नेचुरल टाइल तो नेचुरल ही होती है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि जो एंटिक रूफ टाइल है वो फाइबर में जो बनाई गई है कैसी दिखती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा है, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद फ्रेंड्स।